प्रधानमंत्री का पहला काशी दौरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी और उम्मीदों से घिरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लालपुर की तस्वीरें हैं। बनारस के अंदर ये जगह स्थित है जहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का अनावरण करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, और भी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, और ये लाइव तस्वीरें लालपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बनारस के लालपुर में जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कई नई स्कीम्स योजनाएं शुरू की जा सकती हैं यहां पर। उनके साथ आप देख सकते हैं कई मंत्री भी मौजूद हैं, कलराज मिश्र, सुरेश गंगवार दिख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, संतोष गंगवार दिख रहे हैं इस वक्त, माफ कीजिएगा, राम नाईक भी हैं, राज्यपाल जी भी हैं। हाँ, राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं, राम नाईक नजर आ रहे हैं, तमाम लोग उनके साथ इस कार्यक्रम में। ये लालपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं वहां पे अधिकारियों से, कुछ देर बाद वो लोगों को संबोधित करेंगे और नई स्कीम्स कुछ योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं, उसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। काफी उम्मीदें हैं इस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री जब वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने काफी उम्मीदें जगाई थी वाराणसी के लोगों के लिए, खासकर अलग अलग समुदायों के लिए, बुनकरों के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनोद जी, ये तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसे एक चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि कितने पारंगत हैं प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट में। देखिए, वैसे जब भी कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का या किसी देश में कहीं भी जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन होता है, और ये पहली बार नहीं, हमेशा बड़ा आयोजन होता है। हम लोग बचपन से, हमें याद है कि इंदिरा गांधी आया करती थी, तब तो हम लोग स्कूलों पढ़ते थे, 70s की बात है, शिक्षा तब भी इस तरह के बड़े आयोजन होते थे तमाम, लेकिन तब इतना मीडिया नहीं था, इतना उसका प्रचार नहीं होता था, वो एक क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर का आयोजन बनकर रह जाता था। लेकिन अब चूंकि मीडिया का इतना प्रसार हो गया है, और दूसरा अब वक्त बहुत बदल चुका है, अब हर चीज एक इवेंट के रूप में ली जाती है, एक बड़े आयोजन के रूप में लिया जाता है। और खासकर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जैसा नेता, उन्होंने, आप याद करिए, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने सारे जो है कार्यक्रम गुजरात में, गुजरात से बाहर जब बनाते थे तो इवेंट की तरह बनाते थे, तो हमेशा उनका एक कार्यक्रम एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा आयोजन होता है, और इसमें वो, उनको महारत हासिल है, और इस मामले में वो, उन्होंने सबको पीछे भी छोड़ दिया है। और निश्चित रूप से आज वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र गए हैं, उद्घाटन कर रहे हैं व्यापार केंद्र का, बुनकरों के क्षेत्र का। बुनकरों में देखिए ज्यादातर जो जमात है वो अल्पसंख्यकों की है, मुस्लिम्स की है, इसलिए पहली सौगात उन्होंने अपने क्षेत्र को जो दी है वो बुनकरों को दी है, तो एक तरह से संदेश भी है, राजनीतिक संदेश भी है। चूंकि अल्पसंख्यकों को लेकर के तमाम तरह के सवाल नरेंद्र मोदी की छवि पर उठते रहे हैं, और अल्पसंख्यकों के अंदर भी एक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में एक अविश्वास की बात रही है, तो पहली सौगात उन्होंने बुनकरों को दे करके निश्चित रूप से एक संकेत भी दिया है कि जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसकी शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र से कर रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इसके आयोजन के भी मायने हैं, और एक तरह से ये बड़ी रोचक तस्वीरें देखिए, ये मैनिक्विंस लगी हुई है, और जाहिर है कि ये बनारसी साड़ियां जी वो दिखाया जा रहा है। बनारसी साड़ियों की जब बात करते हैं तो बनारसी साड़ियों को लेकर के जब वो चुनाव भी लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी तो वो, ये एक बड़ा सवाल उठा था बनारस में, बनारसी साड़ियों का जो मार्केट डाउन हुआ वो सूरत और पाटन की साड़ियों की वजह से, गुजरात की साड़ियों की वजह से डाउन हुआ, ये उनके विरोधियों ने एक सवाल भी उठाया था, और इसको लेकर के काफी मतलब राजनीतिक बहस भी हुई थी। और आज अगर वो वहां पर एक व्यापार केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं जिसमें बनारसी साड़ियों का, और बनारस की जो साड़ी उद्योग है, बनारस का जो बुनकर उद्योग है, कालीन उद्योग है उस क्षेत्र का, उसकी एक नुमाइश होगी, उसको एक व्यापार का एक केंद्र मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये उस बहस को भी एक विराम देती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी मैं बुनकरों को सुन रहा था जो आपके संवाददाता बात कर रहे थे कि निश्चित रूप से बुनकरों को बड़ी उम्मीद है। बुनकरों को लेकर के आप देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें भी तमाम पैकेज की घोषणा करती रही, आपको याद होगा कि एक बुनकरों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला था यूपीए के समय, और 3000 करोड़ के आसपास जो है एक पैकेज उनको दिया गया था, तो पैकेज तो तमाम घोषित होते रहे, ये भी एक व्यापार केंद्र है, लेकिन जो बुनकरों की मूल समस्या है, मूल समस्या ये है उनको बाजार उपलब्ध कराना, नंबर एक, उनका जो
रॉ मटेरियल है वो जिस तरह से महंगा होता जा रहा है और जो उसकी जो समस्याएं हैं उनके तकनीकी विकास की एक सबसे बड़ी समस्या है, उनके जो लूम्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए ये एक बड़ी समस्या है। पैकेज से आप क्या करते हैं, उनके बीच पैसा बांट देते हैं, वो पैसा खर्च हो जाता है माल लेने में, उसके बाद वो फिर उसी विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापार केंद्र बना करके ये कोशिश की गई है उनको बाजार उपलब्ध कराने की, इसके अलावा जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं जब तक उन पर एक कोई ठोस कदम सरकार को उठाना पड़ेगा और राज्य सरकार भी उठाए और केंद्र सरकार अपनी नीतियों में भी कुछ तब्दीली करे, क्योंकि पूरा जो बुनकर उद्योग है जो पूरा एक तरह से ये केंद्र की कपड़ा नीति के चलते इसका 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 बड़ा नुकसान हुआ है और इसके लिए मुझे लगता है कि इस पे बहुत बुनियादी परिवर्तन बुनियादी बदलाव की जरूरत है। ये ठीक है व्यापार केंद्र से एक उनको बाजार उपलब्ध होगा, लोग आएंगे, विदेशी पर्यटक बनारस में बहुत आते हैं, वो आकर के देखेंगे, उनको तमाम तरह की खरीदेंगे, एक मार्केट मिलेगा, लेकिन असली बुनियादी समस्या ये है कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत की जाए, ये सारी चीजें जो है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये लालपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ये पंडाल बनाया गया है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए बुनकरों के लिए वाराणसी के, और वहां प्रधानमंत्री समझ रहे हैं ये पावरलूम्स हैंडलूम्स कैसे काम करते हैं, लगता उसकी प्रक्रिया जान रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि एक प्रधानमंत्री ने कम से कम बुनकरों की समस्या, चूंकि उस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं और रूबरू होंगे सीधे उस क्षेत्र की तमाम समस्याओं से, तो पूरा तमाम सर ये सारे हैंडीक्राफ्ट हैं लगता है, सब कुछ रखे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। एक तरह से नुमाइश है स्थानीय उत्पादों की और कुटीर। आप देखिए कि जो लघु उद्योग मंत्री हैं कलराज मिश्रा जी, शायद वो भी इस दौरे में कहीं साथ होंगे, कहा जा रहा था कि उनको भी वो बगल के पास में ही पूर्वांचल की देवरिया क्षेत्र से वो चुने गए हैं। मुझे लगता है कि ये देखिए ये पूरा जो बनारस क्षेत्र, यहाँ तमाम तरह के जो हथकरघा स्थानीय स्तर के जो है उत्पाद रहे हैं बुनकरों के साथ, यहाँ कालीन का क्षेत्र है ये भदोही और बनारस और पूरा जो है इलाका चंदौली का, तो वो एक बहुत बड़ा उद्योग है। फिर बनारसी साड़ियां हैं, बनारसी मिठाई है जो मतलब मुझे लगता है वो उसका जिक्र नहीं कर रहे। पान है, बनारसी पान है, उसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे, वो भी विशेषता है। और अच्छा ये सर ये जो छोटे छोटे ये दिखा दें 8 पीसेस जो नजर आ रहे हैं हमारे दर्शकों को, इसके लिए भी काफी माना जाता है वाराणसी को, ये लकड़ी से बने हुए 8 पीसेस हैं और इनके लिए एक आर्ट म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव है, उसको लेकर भी क्राफ्ट म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है। बड़ा प्रसिद्ध उद्योग है ये और यहाँ पर इसको भी एक बाजार चाहिए। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के वहां से चुने जाने के बाद संसदीय बनारस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बड़ा महत्व बढ़ गया है। पहले भी विदेशियों के आकर्षण केंद्र था, अगर उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद सबसे ज्यादा विदेशी कहीं जाते थे पर्यटक तो बनारस ही जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद निश्चित रूप से उसके एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ गई। लगता है मुझे कि वहां के लोगों को लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं। बिल्कुल, ये बहुत पहली बार ऐसा लग रहा है। बताऊं कि हमारे कई मित्र बताते हैं कि वहां जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है। अच्छा, जो आसपास क्योंकि काशी क्योटो बनने वाला है। अब काशी क्योटो बनेगा कि नहीं बने, मुझे लगता है काशी अगर अच्छी तरह से काशी बने वो ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन हम क्योटो की नकल क्यों करें, क्योटो को काशी बनाइए ना। बिल्कुल, मैं इस धारणा से सहमत हूं। हम नहीं, वो नहीं हो सकता। हम मुंबई को शंघाई बनाएंगे, अरे हमारा ही हमारी अपनी विशेषता है बनारस, बाबा भूतनाथ की, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वो, तो काशी को एक उन्नत नगर बना करके काशी एक मॉडल बने जिसकी नकल जिसका अनुकरण दुनिया के दूसरी राजधानी है दूसरे देश करें, दूसरे सांस्कृतिक नगर करें, मुझे लगता है वो ज्यादा अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और ठीक है, क्योटो की जो अच्छी चीजें हैं वो हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योटो और काशी में काफी समानता है, दोनों नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्योटो जहां सिटी ऑफ श्राइन है वहां सिटी ऑफ टेंपल है काशी, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिटी ऑफ सनशाइन सनराइज भी है, सुबह बनारस की सुबह और अवध की शाम, लखनऊ की शाम, तो ये चर्चा में रही है सुबह बनारस गंगा के किनारे। कई ऐसे सैलानी हैं जो देश के बाहर से सिर्फ ये सनराइज देखने के लिए और गंगा को देखने के लिए आते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संतोष ओझा से जो इस वक्त यहीं पर मौजूद है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष, अभी तमाम कलाकृतियां देख रहे हैं प्रधानमंत्री और वहां जो साड़ियां हैं बनारसी साड़ी उनको भी दिखाया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं कि बनारस पहली बार आए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी, और दोनों ओर से उत्साह है। जहां प्रधानमंत्री में भी उत्साह देखी जा रही है, वहीं यहां के बुनकरों में, यहां के लोगों में भी उत्साह देखी जा रही है। लोगों को एक उम्मीद है, बुनकरों को एक उम्मीद है कि न केवल हमें एक नई सौगात मिलेगी, एक नई सुविधा मिलेगी जिससे हमारी जीवन स्तर बढ़ेगा, हम एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। वहीं यदि देखा जाए
तो लोगों की यदि बाकी कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो कार्यकर्ता इसलिए उत्साहित है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पहली बार प्रधानमंत्री के साथ हैं, हमारे क्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री आए हुए हैं और निश्चित तौर पे एक हमें सौगात देंगे जो हमारे लिए या बनारस के लिए एक बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, तस्वीरें विनोद सर जो हमने देखी वो तो अभी बहुत हम जो खूबसूरत एस्पेक्ट है उसको देख रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है बुनकरों की जो सालों साल से हम देख रहे हैं, सालों साल उनको वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए, वो समस्या और उसका निवारण बहुत विषम है। निश्चित रूप से मैंने चर्चा की, बुनकरों की समस्या बड़ी जटिल है, बहुत सारे उनकी कार्य समस्याएं हैं। बुनकरों के बीच में बाल मजदूरी एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, बाल मजदूरी विरोधी कानून बनने के बाद जो है बच्चों को उससे हटाया गया है, तो एक वहां लेबर इशू भी है श्रम से जुड़ा हुआ, उनके रॉ मटेरियल की समस्या है, उनकी मार्केटिंग की समस्या है, उनके टेक्नोलॉजी की समस्या है, उनके लूम्स को उन्नत करने की समस्या है के सवाल हैं। इसके अलावा उनको सस्ता कर्ज देने की बात भी है ताकि वो विकास कर सके, मतलब उनको खैरात देने के बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करना और उनको मजबूत करना, बाजार उनके लिए कैसे मुहैया कराएं कि बीच की जो के जो गतिरोध हैं वो तोड़ जाए, कैसे तोड़े जाए। इसके कितना आपको क्या लगता है कितना आसान और कितना जटिल होने नहीं, देखिए जटिल तो है असल में इसमें बुनियादी तौर पर जो आर्थिक नीतियां और जो कपड़ा नीति केंद्र सरकार की है मुझे लगता है उसमें कुछ बड़े परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो कपड़ा नीति रही है जो पिछले कई वर्षों से वो लगातार जो बड़ी मिलें हैं, देखिए जो बड़ी मिलें जो बड़े बड़े जो वो कपड़ा बनाती हैं उन कुछ उनके पक्ष में ज्यादा हो गई और जो पुराना परंपरागत उद्योग था उसको एक बड़ा झटका लगा। मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा उसमें एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। अब वो एक पॉलिसी शिफ्ट का मुद्दा है, उसको किस तरह से केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री उस क्षेत्र से ही आते हैं तो अभी तक जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो सीधे उस समस्या से नहीं जुड़े थे, अब नरेंद्र मोदी जी चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं तो उनको सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे बुनकरों की समस्या हल होगी। लेकिन बुनकरों की समस्या हल होगी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम काशी की बात कर रहे थे। विनोद सर आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे, यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो प्रधानमंत्री जो है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं, इस वक्त की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो लालपुर की थी, लौटेंगे इसी पेशकश पे, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो प्रधानमंत्री का पहला काशी दौरा और हर हलचल पर है नजर इंडिया न्यूज की, सीधे आपको लिए चलते हैं लालपुर बनारस में जो मौजूद जगह है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ उनके कई मंत्री भी हैं और संतोष गंगवार इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को, ये सुनते हैं जरा। आपके बीच में खास तौर से जो बुनकर हैं और हस्तशिल्प कर्मी जो हैं जो हमारे देश की रीढ़ हैं और जो वास्तव में सदियों से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं उसको साकार करने का और उसको एक फलीभूत करने का हमको अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में जो कदम उठाए आज उसके परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इतना कहूंगा कि आज इस जो शुरुआत है व्यापार सुविधा केंद्र की और शिल्प संग्रहालय की, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरे देश में आवश्यकता है। बनारस इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब है, यहाँ पर जहाँ देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं तो इसके जानकार लोग भी आते हैं जो इस कला को पहचान सके और जान सके। तो आज यहाँ पर इस अवसर पर हमको ये मौका मिला है कि हम इसकी शुरुआत करें और मैं बहुत आभारी हूँ। बजट के अंदर 8 स्थानों पर अगर टेक्सटाइल क्लस्टर की घोषणा हुई जहां पर 30 से 50 करोड़ प्रति स्थान पर व्यय किया जाएगा, वैसे ही यहां पर इस स्थान पर इस केंद्र के लिए जहां पर पूरे देश के और देश के बाहर के सारे कला प्रेमी लोग आएंगे, बुनकर लोग आएंगे, उनके लिए एक शुरुआती कदम है। मैं यहां पर अति संक्षेप में बताना चाहूंगा कि शुरुआत 50 करोड़ रुपए से हो रही है, जहां पर 30 से 50 करोड़ प्रति स्थान पर व्यय किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर इस स्थान पर इस केंद्र के लिए जहाँ पर पूरे देश के और देश के बाहर के सारे कला प्रेमी लोग आएंगे, बुनकर लोग आएंगे, उनके लिए एक शुरुआती कदम है। मैं यहाँ पर अति संक्षेप में बताना चाहूंगा कि शुरुआत 50 करोड़ रुपए से हो रही है और अगले 1.5-2 वर्ष में करीब 147 करोड़ रुपया खर्च करके एक बड़ा केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है।
और मैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एमओएस संतोष गंगवार इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि बुनकर देश के लिए कितनी बड़ी निधि है। विनोद जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, हम यही डिस्कस कर रहे थे सर कि कितना मुश्किल होने वाला है ये उनके फैसिलिटेशन का काम, ये जो बीच में गतिरोध हैं मार्केट के इनको हटाने का काम, और सबसे इसमें अहम बात ये भी है कि वो कितने रिसेप्टिव होंगे नई योजनाओं को लेकर। बुनकर जी, हाँ निश्चित रूप से, देखिए बुनकर अपने एक सेट पैटर्न में लोग काम करते हैं और ऑर्डर्स पर वो जो है अपना उत्पाद बनाते हैं, बुनकर हों या साड़ी के कारीगर हों या जरी का काम करने वाले हों, जो लोग हों तो वो सारे लोग उस तरह से काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके लिए लाभकारी योजनाएं सरकार बनाएगी और उनके प्रतिनिधियों से बात करेगी तो रिसेप्टिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लगेगा कि हाँ वाकई उनको उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं, अब निर्भर ये करेगा, देखिए जहां तक मेरा विश्वास है क्योंकि मोदी जी खुद उस क्षेत्र से आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो वो पहल करेंगे ही। और ये भी एक बड़ी पहल है जो एक ये केंद्र बनाया गया है व्यापार केंद्र, और जैसा कि भी संतोष गंगवार जी भी कह रहे थे कि शिल्प संग्रहालय व्यापार केंद्र ये बनेगा 144 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा तैयार होगा बनकर के, आज तो उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये पूरा ये करते हैं बनता है तो एक बड़ी चीज मिलेगी उस क्षेत्र को। और ये भी एक बड़ी बात है कि सब कुछ केंद्रीकृत होकर दिल्ली में ही ना हो, कम से कम जहां पर जो चीज बन रही है अगर वहीं उसका मार्केट बने, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ी बात है, मुझे लगता है ये अच्छा अच्छा कदम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही और लगातार इस पूरी कार्यक्रम पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। विशेष कवरेज आप इंटर न्यूज पर दिन भर देखेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।